हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबीना गोरी। आज हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार टॉयलेट और बाथरूम कहाँ होने चाहिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। टॉयलेट बाथरूम नैऋत्य दक्षिण की मध्य में होना चाहिए। टॉयलेट बाथरूम नैऋत्य पश्चिम की मध्य में होना चाहिए। टॉयलेट बाथरूम और रसोई घर को आमने सामने न रखें। टॉयलेट बाथरूम भूल से भी ईशान या पूर्व में नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो वास्तु दोष हो सकता है। टॉयलेट बाथरूम में देवी देवताओं की फ़ोटो वाली टाइल्स ना लगाए। बाथरूम में नहाते समय मुख पूर्व की ओर रखें तो ये बेहतर रहेगा। टॉयलेट बाथरूम अटैच हो तो पहले बाथरूम होना चाहिए। टॉयलेट दक्षिण की ओर मुख रख के नहीं बैठना चाहिए। बाथरूम में वॉश बेसिन पूरब की ओर रखना चाहिए। टॉयलेट अगर ईशान कोण में हो तो घर में बीमारियां आ सकती है। अगर पॉसिबल हो तो दोनों को अटैच ना बनाए, अलग ही बनाए। टॉयलेट या बाथरूम घर में प्रवेश द्वार के सामने नहीं आने चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो बाथरूम 8x8 का ही बनाए और अगर पॉसिबल हो तो टॉयलेट भी 6x6 का ही बनाए। दोनों में वेंटिलेशन की सुविधा बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। सभी व्यूअर्स का धन्यवाद, और धन्यवाद हमारी चैनल को लाइक करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।